आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर लखनऊ से है। कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर आराधना मिश्रा मोना जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें टेट परीक्षा पेपर लीक होने को लेकर मौजूदा सरकार को घेरा और आज तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं उन पर सरकार को घेरने का काम किया। न्यूज 9 भारत के संवाददाता अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। 16 जनपदों से आए हुए यहाँ पे कर्मचारी हैं और हमारे साथ ये हुआ है कि हम लोग विगत 31 सालों से महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम के तहत हम लोग हमेशा आंदोलन कर रहे थे और महिलाओं को सशक्त कर रहे थे, लेकिन दिनांक 25 जून 2020 से सरकार ने एक आदेश निर्गत किया कि कार्यक्रम को वन स्टॉप सेंटर और मिशन शक्ति के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है और समेकित रूप से कार्यक्रम चलाया जाएगा और सभी कर्मचारियों का डाटाबेस हम रखे रहेंगे, जिसका कि हम समय पर सदुपयोग करेंगे। ये आदेश था सरकार का, लेकिन उसके बाद से सरकार ने ना हमारे लिए कोई भी आदेश जारी किया, ना कोई निर्देश जारी किया और ना ही हमने कोई प्रयास बाकी नहीं छोड़ा। हमने मुख्यमंत्री से लगायत संघ की महिलाओं तक हमने कोई भी प्रयास ऐसा नहीं छोड़ा जो कि हमने सरकार के कानों में अपनी बात डालने का प्रयास ना किया हो, विभाग के आगे हमने अपनी बात ना रखी हो, हमने अपनी गुणवत्ता ना प्रस्तुत किया हो। हमारी संघ की महिलाओं को सरकार NRLM में समायोजित करती है, शक्ति सशक्तिकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत उनको बुलाती है। आज भी हमारे कार्यक्रम की एक तरह से लोग मतलब उसकी सराहना करते हैं। हमने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की शुरुआत किया 2008 में, हमने मिड डे मील की शुरुआत किया 2008 में, हमने बहुत सारे कार्यक्रम सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाए, हमने सरकार का सशक्तिकरण सप्ताह कार्यक्रम चलाया, हमने सरकार का ये स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम को बहुत ही सफल क्रियान्वयन इसका किया, हमने सरकार की हर एक योजनाएं, वो सुमंगला योजना हो, बाल विवाह रोकथाम की योजना हो, महिला बाल अधिकार मंच का कार्यक्रम हो, संघ क्लस्टर महासंघ महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्यक्रम हो, महिलाओं को बाहर निकालने की बात हो, मुस्लिम महिलाओं को पढ़ाने की बात हो, हमने सहारनपुर जनपद में मदरसों में पढ़ने वाले और स्कूल आज तक जिन बच्चियों ने कभी अपने कमरे में प्रवेश नहीं किया था, अपने पर्दे में रहती थी, उन लड़कियों को हम बाहर आवासीय विद्यालय में पढ़ाए। कौन सा विद्यालय था? MSK? नहीं नहीं, वो जो उनका कस्तूरबा विद्यालय वोकेशनल, कस्तूरबा क्या नाम था उसका, उस विद्यालय का नहीं, वो कस्तूरबा का MSK? वो कस्तूरबा कौन सा कस्तूरबा था जो सहारनपुर में चल रहा, दारुल उलूम जो में वाला जो था, देवबंद में, देवबंद जैसे इलाके के जहाँ पे कट्टर मुस्लिम फैमिलीज की लड़कियों को जहाँ बाहर पर्दे के बाहर निकलने नहीं दिया जाता, हमने उन लड़कियों को आवासीय विद्यालय में पढ़ाया। हमने कोई भी ऐसा कार्यक्रम और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो सरकार की निगाह में ना हो कि हमने कार्यक्रम नहीं किया या काम नहीं किया, लेकिन सरकार ने आज हमारे साथ ये किया है कि आज हम दर दर भटकने को मजबूर हैं। हमें एक माह से, एक साल से हमें कोई भी मानदेय नहीं मिला है। जब हम यहाँ पे संपर्क करते हैं विभाग में तो हमसे कहा जाता कि आपको 25 जून के बाद एक भी पैसा नहीं मिलेगा। जब हम मुख्यमंत्री से बात करते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपका काम हो रहा है, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। हमने हर जनपद में मुख्यमंत्री से बात किया, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, चंदौली, बनारस, गोरखपुर, लखनऊ, जनता दरबार के माध्यम से, औरैया, कोई भी जनपद ऐसा नहीं रहा जहां मुख्यमंत्री गए और हमने अपनी आवाज़ न उठाई हो। हमने रीता बहुगुणा जी जो हमारा जब कार्यक्रम में मंत्री रही थी, हमने उनसे भी बात किया, उन्होंने एक लिखित लेटर सरकार को दिया और कैबिनेट मंत्री की हैसियत से उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि महिला सशक्तिकरण का महिला समाख्या एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसमें 800 जुड़ी हुई महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को चलाने का वो किया जाए, लेकिन सरकार ने उस पर भी नहीं विचार किया, विभाग ने उस पर भी नहीं विचार किया। हम जब दर दर भटक रहे हैं, जब हम सरकार के पास जाते हैं सरकार कहती है शासन पे जाओ, शासन के पास जाते हैं शासन कहता है विभाग के पास जाओ, विभाग कहता है कि फिर शासन के पास जाओ, ऐसे हम गोल 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 घूम रहे हैं और आज एक साल पूरा हो गया। कि मैडम कौन सा विभाग है और विभाग के निदेशक कौन है जिनसे आपकी मुलाकात हुई थी? महिला और बाल कल्याण विभाग के अंतर्गत हम लोग हैं,
जिसके डायरेक्टर मनोज राय हैं और जिसमें उप निदेशक हमारी अनु सिंह जी हैं जो कि योजना अधिकारी भी हैं। तो ये योजना अधिकारी सिंह मंत्री हैं, तो इनसे इनसे आपकी बात हुई तो इन्होंने किस तरह का आश्वासन आपको दिया, क्या बताया कि इसको आगे चलिए कब से शुरू किया जाएगा और किस तरह से क्यों इसको रोका गया है कुछ? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।